नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि अगर आपके पास जी ए ग्रुप है और एच और के इसके सब ग्रुप्स हैं, एच और के क्या है सब ग्रुप्स हैं जी के, तो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या, क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं कि क्या एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई बिलोंग कर रहा है एच से भी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ई बिलोंग करेगा के से भी, तो क्या हो गया आपके पास एच इंटरसेक्शन के की वैल्यू आ गई आपके पास 5 इक्वल, राइट। ये एक पता चल गया कि जो इंटरसेक्शन वाला ग्रुप है ना, ये वाला सेट आपके पास, ये नॉन एम्प्टी तो नहीं है, ये नॉन एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें ई बिलोंग कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन के में। तो मान लेते हैं कि इसमें आपके पास कोई दो एलिमेंट्स है, मान लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन के से। हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, क्या चीज प्रूफ करनी है हमें, सब ग्रुप होने के लिए आपको, अभी हमने थ्योरम की थी लास्ट थ्योरम, उसमें क्या था कि अगर कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट से एच से, तो कंडीशन ए बी इनवर्स बिलोंग करवा दीजिए आप एच इंटरसेक्शन के से, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन के से, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं एच से, और ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे के से भी। बहुत बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। तो एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है, बिकॉज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ऑल्सो के इज सब ग्रुप ऑफ जी, के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसकी हेल्प से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, और यहां से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू के, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के से। और सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको यही तो कंडीशन प्रूफ करनी होती है कि ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन के से। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एच इंटरसेक्शन के इज अ सब ग्रुप ऑफ, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये आपके पास जी का सब ग्रुप हो गया। फर्दर अगर हम बात करें, इसमें तो हमने इंटरसेक्शन केवल दो सब ग्रुप्स की कंसिडर की है, तो आपके पास एक रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनियन की, कि यूनियन सब ग्रुप्स का ये होगा या नहीं होगा, सो क्वेश्चन है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन अ सब ग्रुप और नॉट, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप और नॉट, हमें ये चीज बतानी है। तो मान लेते हैं कि जी आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है, इसके दो सब ग्रुप्स कंसिडर करते हैं, एक सब ग्रुप कंसिडर किया 2z, दैट इज इवन इंटीजर्स, इवन मल्टीपल्स इंटीजर्स का, तो आपके पास ये सेट क्या बनेगा 2n, n बिलोंग करेगा इंटीजर से, और एक सब ग्रुप कंसिडर करते हैं 3z, दैट इज मतलब कि 3 के मल्टीपल्स हैं, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये आपके पास बनेगा 3n सच दैट n बिलोंग टू z, ठीक है। अब अगर इसके एलिमेंट्स को थोड़ा सा ओपन करके लिखो तो आपके पास एलिमेंट क्या आएगा, 0, 2, माइनस 2, 3, 4, माइनस 4, अप टू सो ऑन, और इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके पास, 0, 3, माइनस 3, 6, माइनस 6, 9, माइनस 9, अप टू सो ऑन। अब हम बात करते हैं एच यूनियन के की, तो एच यूनियन के में आपके पास क्या आएगा, जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर माइनस 2, माइनस 3 आ गया, फिर 4, माइनस 4, 6 और माइनस 6 आ गया, अप टू सो ऑन, एच यूनियन के में आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए। हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट्स पिक किए, 2 और 3, 2 और 3 का सम कितना होगा, 5r है, 5 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा एच यूनियन के से, तो मतलब हमने क्या किया, दो सब ग्रुप थे उनका यूनियन लिया, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी थी, आपने कोई दो एलिमेंट 2 और 3 कंसिडर किए, उनका सम 5 आ गया, 5 तो इस सेट में कभी नहीं आएगा क्योंकि 5 ना तो एच से बिलोंग करता ना 5 के से बिलोंग करता, तो इसका मतलब क्या निकला कि जो एच यूनियन के है वो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इट डज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप।
यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन चाहे आपके पास दो सब ग्रुप है चाहे आपके पास 100 सब ग्रुप है, कोई आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, तो उसका इंटरसेक्शन आपके पास सब ग्रुप डेफिनेटली होगा।